आज के इस चुनावी सभा में पधारे हुए हमारे युवा नेता हम सब के चाहते और आप सभी का इंतजार है कि राहुल जी आपसे जल्द से जल्द संबोधित करेंगे। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के नेता श्री बाला साहेब थोरात साहब, माणिकराव ठाकरे, धनोरकर, वजाहत मिर्जा जी और दूसरे हमारे कैंडिडेट्स उम्मीदवार इस मंच पे जो बैठे हैं, वो सभी का नाम लेते हुए मैं यहाँ जमा हुए मेरे भाइयों, बहनों, युवा मित्रों और मेरे मीडिया के दोस्तों, ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आप राहुल गांधी जी से सुनने के लिए बड़े तत्पर है। मैं सिर्फ दो ही बात कहता हूं। इस देश में बीजेपी की सरकार आने के बाद और महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार आने के बाद ये जो काम देश में करना था वो कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ भाषणबाजी हो रही है, लोग मर रहे हैं, तंग हो रहे हैं और खासकर विदर्भ में हजारों लोग सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए। हमारे किसान भाई, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, युवकों के हाथ में काम करने का उनको मौका नहीं दिया। तो ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी है और ऐसी सरकार यहां पर महाराष्ट्र में बैठी है। महाराष्ट्र का विषय है ये चुनाव, महाराष्ट्र के भविष्य बनाने का चुनाव है ये चुनाव, महाराष्ट्र के युवकों के भविष्य के निर्माण का चुनाव है, किसान के किस्मत खोलने का चुनाव है। ये कोई आर्टिकल 370 वो ये ऐसा घुमा फिरा के लोगों के लक्ष्य को दूर करने का जो कोशिश मोदी जी और शाह जी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, आपको देने के लिए कुछ नहीं और काम करने के लिए उनकी इच्छा भी नहीं है। तो इसलिए भाइयों, आपको इस सरकार को बदलना है। इस बदलने के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है। इसीलिए आप कांग्रेस पार्टी को मदद करके इस देश की अर्थव्यवस्था जो इतनी खराब मोदी जी ने कर दी है उसका रिपेयर भी नहीं कर सकते। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आज सुबह सकाल पेपर में पढ़ा, आप भी पढ़े होंगे, ये हमारे निर्मला सीतारमण, उनके पति ने बोला है, श्री प्रभाकर ने, उसने ये कहा इस देश की आर्थिक परिस्थिति बर्बाद हो गई। ये कौन कह रहा है? निर्मला हमारे सीतारामन जो अर्थ सचिव है उनके पति बोल रहे हैं। हम अगर बोलते हैं तो उसको पॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन खुद उनका उनके पति महसूस कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने जो बुनियाद डाली थी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे नरसिंह राव जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, ये सारे लोग सुधारने की कोशिश किए। अब सिर्फ ये मोदी सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की टीका करने में लगी है। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं, उनके घर में रहने वाले उनके पति, लेकिन
सीतारामन उसको मानने को तैयार नहीं, मोदी उसको मानने को तैयार नहीं। तो भाइयों, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको इतना ही कहूंगा कि ये विदर्भ एक ऐसा कांग्रेस का गढ़ है, सारे देश में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी यहां पर आई थी हमारे 78 इलेक्शन में हारने के बाद, तब आप तमाम विदर्भ के लोग इतना साथ दिए, सारा विदर्भ जितने भी हमारे सीट थे 60 के 60 सीट चुन के आए थे। तो वही आशा रखते हुए मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं, राहुल गांधी जी आपसे संबोधित करेंगे, चार बात करेंगे, आप सुनिए। इतना कह के अपना समाप्ति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।